अरे बजरंग बली तोड़ दो सुन की नली। अरे भाग्यवान सुना तूने कुछ क्या? अरे मैंने आज चार लोगों को अखाड़े में देखते ही देखते पछाड़ दिया। सच में? हाँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? पता है जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो बड़े बड़े सुरमा पानी मांग जाते हैं। अरे हम तो खानदानी लड़ाकू हैं, समझी? जब मैं तलवार चलाता हूँ तो दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, समझी? अरे तुम क्या जाने हम क्या ऐसे वैसे हैं, समझी क्या? नहीं चल, मैंने कल रात को रबड़ी बनाने के लिए कहा था, तूने बनाई क्या नहीं है? बनाई तो है पर स्वामी अभी लाती हूँ, जरा आप आराम कर लो। लीजिए स्वामी। लाओ। अरे भगवान रबड़ी तो बड़ी प्यारी बनाई, जो तुम खा लो। तुम ही खाओ। हाँ हम तो खा ही रहे। खा लो स्वामी। आप इतना दूध और घी खाते हैं पर आपकी काया तो मच्छर की तरह है, और ये सब माल जाता कहाँ है? क्या कहा, मच्छर की तरह हैं? अरे तुम मुझे समझती क्या है, हैं? अरे 8-10 पहलवानों को तो मैं ऐसे ही पछाड़ दूं। अरे भाग्यवान ये सब खाया हुआ तो लड़ाई के मैदान में काम आता है। अरे भाग्यवान मेरे सामने तो अच्छे अच्छे 30 मार का पानी भरते हैं। अब क्या खा रहे वहां में, खत्म तो हो गई कटोरी खाने का। आओ ले भगवान, चला दूध लेके आ। और सुन, दूध में बादाम डालना मत भूलना। हाँ स्वामी अभी लाई। जी स्वामी। ले बजे बली। स्वामी एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भगवान तेरी बातों का थोड़ी बुरा मानूं मैं। आप इतनी तैयारी किस लिए कर रहे हैं? अरे तू क्या जाने, जरा होने तो दे युद्ध का ऐलान। देखना मैं युद्ध भूमि में जाकर दुश्मनों के छक्के छोड़ा दूंगा। अरे ये सब खिलाई फलाई उसी के लिए तो हो रही है, समझी क्या नहीं? अरे पहले तुम मुझे और घी दूध तो खिला। अरे खाऊंगा नहीं तो लड़ूंगा कैसे, जानती है? जब हमारे महाराज युद्ध के लिए जाते हैं ना तो दरोगा जी से पहले मुझे बुलवाते हैं। हाँ। अरे तू है ये कि अपने पति परमेश्वर के खाने पीने का ध्यान तक नहीं रखती है। अरे ये लंका क्यों बन रहा है? लगता है स्वामी आपको दरोगा लेने आ रहा है। उठो उठो उठो, लड़ाई का डंका बज रहा है। वीर मलखान कमर से तलवार बांध कर जा रहे हैं, अभी तो बड़ी सेखी झाड़ रही थी, अब क्या हो गया? अरे ये लड़ाई का डंका नहीं, मेरी मौत का डंका बज रहा है। उठो उठो। अरे दिल्ली वालों से बहुत कठिन लड़ाई होगी। अरे जो वहां जाएगा वो मारा जाएगा। आपकी बुद्धि को क्या हो गया,
अरे मैं वहाँ नहीं जा सकता। अब क्या हो गया? मेरी अभी मरने की इच्छा नहीं है। पड़े पड़े खटिया में भूत प्रेत बन जाओगे, युद्ध में मरोगे, तुम्हारा नाम वीरों में आएगा। अरे चौहान बहुत बड़ा योद्धा है, मुझे उसके पास अभी मरने के लिए नहीं जाना। अरे भगवान, अभी तो हमारा गौना हुआ हुआ है, अगर मैं मर गया तो तू क्या करेगी? मेरे प्यारे बलम, यदि तुम युद्ध में मारे भी गए तो मैं तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी, मुझे युद्ध में जाने के लिए ना कहो तो अच्छा है। अरे भगवान, मुझे घर में छुपा ले, अगर दरोगा है तो उससे कह देना कि हमारे पति देव की तबीयत खराब है, उन्हें बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा। जा पड़े पड़े खटिये में मर जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। अरे हाँ भगवान, मेरे बस में फौज में नाम लिखाना नहीं है। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगा, तुम्हारी रोटी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा, बस मुझे अपने घर में छुपा ले। मर्द होकर ऐसी बात मत करो, फौज में अपना नाम लिखा कर आओ। अरे मूर्ख, क्या तेरी मती मारी गई? मुझे सोने दे। अपना तेगा मुझे दे दो, मैं फौज में नाम लिखाऊंगी, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी, अब छत्राणी का तेगा चलेगा। अब तुम लड़ने नहीं जाओ और पैर फैलाकर सो। अरे भगवान, ऐसी बात मत बोल, अब मैं फौज में जाके नाम लिखाता हूँ, मेरा तेगा मुझे दे दो। और क्षत्रिय धर्म का पालन करना और युद्ध में जीत कर आना। तुम चिंता ना ही करो, मैं महोबा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली।